आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव ततारपुर मंजरा बटोवा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 50 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से 23 किलोमीटर है। 2300 वोट और 7000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान निरखपाल ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। जिम्मेदारी निभाते हुए लॉकडाउन के चलते भी ग्राम प्रधान के द्वारा ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान निरखपाल और सचिव अरुण यादव के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के ततारपुर मजरा बटोवा ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से यहाँ लॉकडाउन के चलते लोगों की मदद की गई है और क्या प्रतिक्रियाएं आगे इनकी कोशिशें जारी हैं, इस सब के बारे में जानकारी लेकर प्रधान जी से आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपका जो ये कार्यकाल चल रहा है ये लगभग समाप्ति की ओर है, अब तक क्या क्या विकास कार्य आपके गाँव में हो चुके हैं? मैंने गाँव में खड़े कराए और साथ स्कूल बाउंड्री डलवाई है, मिट्टी खराब करवाया है और जहाँ जहाँ गंदी नालियाँ हैं वो साफ कराई हैं और खड़ंजे ज़्यादा कराए हैं। यानी किचन मुक्त करने की कोशिश आपकी गांव को रही है, तो सभी रास्ते पूरी तरह से पक्के हो गए हैं? बारिश कुछ रह गए हैं, क्या रास्ते रह गए हैं और आवास मिले हैं? आवास कोई नहीं मिला है। एक भी आवास? कितने परिवार? आवास तो करीब अभी तो मैंने 70 फार्म दिए थे पिछले साल, अभी तो उसमें कुछ नहीं है। 70 परिवार मतलब अभी हैं आवास की? 70 आवास हैं जी। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं तो जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या सम्मान निधि का पैसा जो किसान के खाते में आ रहा है, तो आपके गांव में इसका लाभ सभी लोग ले पाते हैं? ना, कुछ लोग रह रहे हैं इसमें, अभी कुछ लोग फूट रहे हैं अभी, और कुछ की अभी कुछ कागजों में कमी आ गई है। वैसे किसान सम्मान निधि मिला है लगभग सभी को मिला है, और ये जो उज्ज्वला योजना में जो कनेक्शन कराए हैं वो लगभग सभी के हैं, और गैस कनेक्शन भी सारे सभी के हैं लगभग जी। पेंशन वगैरह सबको मिल रही है? पेंशन जो है हाँ, पेंशन भी लगभग सभी मिल रही है। सोलर लाइट लगवाई थी, लगवाई थी। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? साफ सफाई बढ़िया है, सफाई कर्मचारी रेगुलर आते हैं? हाँ, रेगुलर रोज जाता है जी। कहीं पर ऐसा तो यहाँ नहीं है ग्राम पंचायत में, कहीं जलभराव की समस्या? नहीं, जलभराव गंदगी का तो ना कोई लगा हुआ, धूल का ढेर लगा हुआ है, ना कहीं जलभराव जी। साफ सफाई स्कूल में कार्यकल्प के अंतर्गत क्या क्या काम कर रहे हैं? स्कूल में कार्यकल्प के अंतर्गत हमने बाउंड्री कराई है, उनको शौचालय सही कराए हैं, मिट्टी भरा करवाया है। अब जब से लॉकडाउन हुआ है चले गए स्कूल बंद है जी, अब थोड़ा आप सफाई कुछ कर दूँ, 4-5 चल रही है सफाई जी, मतलब काम अभी इसका सौंदर्यीकरण का जारी है, जारी है। और अब फिर कल से स्कूल बंद हो गए देंगे शायद, कल में लॉकडाउन पड़ा है तो आप फिर मैडम आने बंद हो गए, मास्टर बंद हो गए, आने बंद हो गए। ये कितना सा सौंदर्यीकरण स्कूल में कराया है पहले, हालांकि नहीं था, तो उसमें अब में और उस वक्त में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? मतलब बच्चों की जैसे पहले रजिस्ट्रेशन बच्चों का लगभग कम रहा है, अब बच्चे ज़्यादा हैं उसमें, या पढ़ाई का कुछ लेवल अच्छा हुआ है? हाँ, अच्छा हुआ है। मिड डे मील वगैरह की फैसिलिटी देखते हैं? ज़्यादातर सही है, सब चीज़ देखते हैं जी। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा 12 घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं गाँव में? कोई नहीं है, बस केवल सरकारी स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है और बराबर कोई नहीं है। खेल का मैदान भी नहीं? खेल का मैदान, शमशान घाट कब्रिस्तान बने हुए हैं? शमशान मतलब पहले प्रधान ही बनवाए थे वो, और साफ सफाई हमने कराई इस साल कब्रिस्तान में, सफाई ना कोई अस्पताल है। कितनी दूर है यहाँ से अस्पताल? तो वहीं संभल है हमारे यहाँ लगभग कितना किलोमीटर? 23 किलोमीटर, 23-24 किलोमीटर है। मैंने 23 किलोमीटर से पहले कोई भी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र आपके नज़दीकी है? आसमोल ही जाते हैं जी, ले जाते हैं जो आसान मतलब ब्लॉक से पहले किसी भी ग्राम पंचायत में आपके आसपास कोई स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं? कोई नहीं होता जी। तो काफ़ी मरीजों को जो है परेशानी होती होगी दूर जाने में, इमरजेंसी में कोई अगर परेशानी तो पूरी है, रात को अगर होता गाड़ी से जाना पड़ता है या किराए से जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लॉकडाउन रहा है अभी, और जिस 70 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रहा है उसमें कई परिवारों के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आकर खड़ी हुई हैं, जहाँ कामकाज बंद थे बिल्कुल,
ऐसे में क्या ऐसे परिवार आपके ग्राम पंचायत में भी रहे हैं, और अगर हैं तो आपकी उसमें क्या उन लोगों को मदद मिली है? मदद मिली है, हमने जो भी मदद मिली है वो करी है, लोगों के साथ मदद करी है। और जो है ज़्यादा परिवार हमारे गांव में ज़्यादा गरीब परिवार ना है, सब ठीक ठाक से हैं, और जो मदद करिए पूरी करिए। मतलब खाने पीने की दिक्कत किसी को? खाने पीने की दिक्कत मेरा किसी को नहीं आई है, और जो भी राशन पानी मिल रहा है वो समय पर बढ़ रहा है। और अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख? मेरी सरकार चाह रहे हैं कि हम सब पैसा मिले, हम तो बहुत सौंदर्यीकरण बनाते गाँव के लिए, बहुत अच्छा कर दें। मान लो हम तो ऐसा कर रहे चमकदार बनाते, चमकाने के लिए विकसित करने के लिए कुछ आपने माइंड में होगा, कुछ समस्याएं आपके सामने ऐसी दिखाई देती होंगी कि अगर वक्त मिले, मौका मिले या मदद मिले सरकार की तरफ से, तो आप उन समस्याओं को हटाने की कोशिश करेंगे? ऐसी किस तरह की समस्या गाँव में महसूस करते हैं? जी, मैं तो सारी समस्याएं सब दूर कर दूंगा, सारी रास्ते होगी, सारी कीचड़ की, सारा जो भी काम है, जो आदमी गरीब है सभी के लिए, अगर तो जो भी किसी के काम को मना नहीं करता, सबका काम जो लगातार करता है। पीने का पानी हमने यहाँ सुना है कि आसपास के जो गांव है कुछ उसमें सुनने में आया है या ग्राम प्रधान द्वारा कुछ बताया गया है कि पीने का पानी वहाँ की क्या स्थिति है? ना, मेरे पीने की बढ़िया है, दोनों सही है, यहाँ पर हैंडपम्प वगैरह की सुविधा है, हैंडपम्प लगे हुए हैं, सही सुविधा सही है, दूषित पानी में तो नहीं है? दूषित पानी नहीं है। इसके अलावा अस्पताल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अरे हमें तो अस्पताल मिल जाए, बारात घर मिल जाए, जो भी चीज़ मिल जाए लेने। हम लोग इससे पहले अस्पताल की आपने कोई कोशिश की है, प्रस्ताव रखा है या? प्रस्ताव दिया काम में एक बार, वो हमारा आज तक पता नहीं कहाँ प्रस्ताव। ग्राम समाज की जगह है ना? ग्राम समाज जगह है, हाँ, ग्राम समाज समाज जगह है। अब ये जैसे कि लॉकडाउन से अनलॉक हो चुका है, लेकिन बीमारी अभी जो की क्यों है, दिन पर दिन बढ़ने पर है, इसके लिए आपने ग्रामवासियों से क्या कहना, कुछ कहना चाहेंगे आप? ग्रामवासियों मैंने कहा भाई आप बाहर मत जाओ, बाहर का बाहर निकलेगा तो मैं आने नहीं दिया, आज दो चार लोग आए थे दूसरे गांव में तो मैंने पार्टी की बात की थी, वो और जब वो 14 दिन तक वहाँ रहे और 14 दिन के बाद में मैंने अपने गांव बुला लिए, स्वस्थ और कोई बीमारी नहीं। जैसा कि आपने देखा यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा पिछले बीते 4-4.5 सालों में काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जिनमें सीसी टाइल्स कार्य और सड़क निर्माण यहाँ मिल रहे हैं, काफ़ी हद तक कीचड़ मुक्त करने की कोशिश की गई है गांव को। इसके साथ ही स्कूल में भी काफ़ी सौंदर्यीकरण करवाया गया है, लेकिन अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो यहाँ कुछ मूलभूत समस्याएं अभी भी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत घर जो अभी तक यहाँ निर्मित नहीं है, जिसके लिए यहाँ ग्राम प्रधान मांग रखते हैं। लगभग 70 परिवार अभी यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है, जबकि एक भी आवास अभी तक यहाँ किसी को नहीं मिला है। इसके साथ ही जो सबसे प्रमुख समस्या है वो स्वास्थ्य केंद्र को लेकर है, अस्पताल को लेकर है, जो ब्लॉक से पहले किसी भी ग्राम पंचायत में आसपास यहाँ नहीं मिल पाती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमरजेंसी में या किसी आए गए वक्त अगर मरीज को छोटी बड़ी परेशानी हो जाए तो किस हद तक उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। के साथ